अकाउंट खोल, तो शायद मेरे पास है वो स्टेट बैंक का, पता नहीं चालू क्यों नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो एटीएम कार्ड अभी आपके पास में है स्टेट बैंक वाला? तो हाँ वो तो है मेरे पास, देखो उसमें डेट क्या लिखा था, देखो ना। रुको रुको मैं देखता हूँ, वो चल जाएगा ना। हेलो भैया आप, हाँ बोलो सर। वो जो बंद है मेरा एटीएम कार्ड, वो चल जाएगा ना? हाँ, तो कैसे करना देखो उसमें, पड़ेगा उसको? रुको रुको मैं हाँ बाहर सर, करता हूँ। मैं हाँ कल देखो सर, एक्चुअली प्रोग्राम पे गया था, तो थोड़ा बाहर प्रोग्राम हो रहा था हमारा वहाँ पे पारादीप पे, तो मैं सो गया था अभी। हाँ मेरा पास किधर गया? रुको तो वन, कार्ड को, हाँ सर कार्ड को निकालो, लाइन पर रख, लाइन को कट मत करना, ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक हो, बैलेंस नहीं कटा है, ठीक है? आप प्लस क्यों बोल रहे हैं, उसको चेक करने बोलो, मैं लाइन पर आ जाऊंगा। अच्छा मेरा जो एक्सिस बैंक का अभी मैंने जो दिया हूँ अकाउंट अच्छा खोल वो के, चालू हाँ कर, हाँ सर इसीलिए तो आप वो कार्ड को गारंटेड लेंगे, उसके बाद वो कार्ड चालू हो जाएगा सर, इसीलिए बोल रहे थे। आप उस कार्ड को, स्टेट बैंक वाला कार्ड को बाहर निकालो, देखो डेट क्या लेता, नहीं, चालू हो एक तो जाएगा। स्टेट बैंक का तो मेरा अभी बंद हुआ है, चालू कर दोगे आप बहुत अच्छा बात है। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो एक्सिस बैंक का मैंने जो नया अकाउंट खोलने के लिए दिया हूँ, वो बोल रहे थे कि आ जाएगा, अभी तक आया नहीं मेरा भैया, मेरे बहुत परेशान हो रहा है। सुनिए साहब, स्टेट बैंक वाला एटीएम कार्ड को बाहर निकालो, डेट देखो क्या निकल, वो कार्ड को चालू हो जाएगा सर, ठीक है सर? आपका आपका नाम क्या है भैया? राकेश वर्मा है सर। मेरा नाम आदित्य दास है। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके ओके। आप क्यों? कार्ड को, एटीएम कार्ड को, हाँ एटीएम कार्ड को बाहर निकालो सर, बाहर बाहर निकल लिया, निकाल, देखो सर डेट क्या लिखा सर, देखो डेट लिखा है, कौन सा डेट बताओ तो। हाँ, एटीएम कार्ड के ऊपर में देखिए सर, नीचे में जहाँ आपका नाम लिखा है ना, नाम के ऊपर में देखिए एक एक्सपायरी डेट लिखा होगा, VALID वैलिड थ्रू अप टू बोल के महीना और साल में एक डेट लिखा होगा, देखो अच्छा अच्छा हाँ 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 लिखा है ना। ये लिखा है 15, क्या 15 लिखा है, फिर गार गार है उसमें, डंडा जैसा है, हाँ क्या है बोलो, 15 है और एक डंडा जैसा है के उसमें 17 है। 17 है, उसके ऊपर में देखो नंबर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, रुको थोड़ा मैं थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, मैं सो के उठाऊँ तो मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, एक अरे मिनट। सर देखो वो डेट जो बोले ना, डेट का ऊपर में देखो एक नंबर होगा, 4 4 अंकों में, 4 जगह देखो। हाँ हाँ बता रहा हूँ ना भैया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सोया था तो उठा नहीं हूँ, तो मैं उठ के थोड़ा मुंह धो हाँ लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। वन देखो मिनट, उसमें वो नंबर क्या है, वो नंबर बोलो, नंबर बोलो सर। रुको मैं थोड़ा मुंह धो लेता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ मैं लाइन पर रहता हूँ, हाँ भैया हाँ, वो जो है वैलिड कौन अच्छा लिखा है, एक 15 है और एक गार के 17 है, 11 17। 15 15 17 है। अरे सर उसमें देखो VALID वायलेट के बाद उसमें एक और कुछ लिखा है, उसके बाद नंबर लिखा होगा, देखो अब हेलो, वहाँ पे 9 17 लिखा है भाई। 9 17 हाँ जीरो 9, उसके बाद बीच में एक डंटा है, उसके बाद 17 है ना। हाँ हाँ उसके ऊपर में देखो नंबर लिखा है, 4 4 अंकों में नंबर। हाँ उसमें है ना, उसमें क्या ऊपर है? हाँ वो नंबर है ना, 4 4 अंकों करके, 4 जगह, 16 अंकों का नंबर है ना। है ना, हाँ बोलो तो वो नंबर क्या है, 60? 7 8 क्या 7 के बाद 8 7 8? 4। हेलो हेलो, क्या हाँ भाई कॉल आप, कट क्या गया। क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं, नंबर क्या बता रहे हैं सर आप? बोला कि 4। आप सही सही नंबर नहीं बता रहे हैं सर, आप गलत नंबर बता रहे हैं सर। मैं बोला 4 7 8 4, 7 4 8, 4 7 8 4। ये गलत नंबर है सर, आप दूसरा नंबर बता रहे हैं सर, आप सही से बताइए सर। भाई मेरा तो कार्ड पे वही नंबर है,
चार सात एट चार दो दो तीन ठीक है चार। आपका ये ठीक है साहब, आपका ये एटीएम और खाता दोनों ब्लॉक हो रहा है, स्टेट वाला भी वो भी बंद हो रहा है। ठीक है आप गलत नंबर बता रहे थे। भाई मैं आपको, आप मेरा मदद कर रहे हैं, मैं गलत नंबर आपको क्यों बताऊं? मैं बोला ना ठीक पीछे है क्या साहब लिखा देखो, है, 09। हाय दोस्तों, मैं हूं आदित्य दास और आज सुबह मुझे एक फेक कॉल आया था स्टेट बैंक के नाम पे, जो कि मुझे मेरा एटीएम कार्ड का डिटेल्स मांग रहे थे, लाइक 16 डिजिट जो नंबर होता है और एक्सपायरी डेट वो सब वगैरह वगैरह पूछ रहे थे। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि एक फेक कॉल है, क्योंकि कोई भी बैंक से ऐसा कॉल नहीं आता है। तो वो जैसे मुझे उल्लू बनाने का कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको ऐसे ही उल्लू बनाया। तो आप सबको भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी कहीं से ऐसे कॉल आता है जो कि आपको आपका एटीएम कार्ड का डिटेल्स या आधार कार्ड का डिटेल्स और बैंक अकाउंट का डिटेल्स के बारे में पूछते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अगर आप इंफॉर्मेशन दे दिए तो समझ लेना कि आप गए, आपका अकाउंट का सारा बैलेंस लूट हो जाएगा।